वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ चुके हैं देसी वाइब जो कि आपका बड़ी ब्राह्मणा मेन चौक पर। तो आप देख सकते हैं भैया हमारे सामने जा रही है। तो आज हम आ चुके हैं भैया से बात करेंगे। भैया आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सर मेरा नाम मोहम्मद वासी। तो भैया आपका क्या खासियत है यहाँ पर? सर हमारे पास खासियत है, हमारे पास ये जो बुफे चल रहा है जो उसमें हमारे पास है, सबसे पहले तो हमारे पास जो है सबसे सस्ता नान वो होगा मिक्स नान 30 रुपये का। उसके बाद एक है पनीर नान वो हमारे पास है 50 रुपये का। उसके बाद हमारे पास अम्बरसरी नान है वो है 50 रुपये का। और जो अम्बरसरी नान है और पनीर नान है इसके साथ हम जो सर्व करते हैं, वैसे तो यहाँ जो भी दूसरे ढाबे हैं वहाँ पे चलता है राजमा और छोले होते हैं उनके साथ, और हम जो सर्व कर रहे हैं वो 50 रुपये में कर रहे हैं पनीर नान भी पनीर कुर्सी। सच में? जी सर। नहीं नहीं सर, हम आपको अभी राय में 50 रुपये में आप पनीर नान भी दे रहे हैं और साथ पनीर पनीर कुर्जी भी दे रहे हैं, और हम 50 रुपये में दे रहे हैं बटर नान विद दाल मखनी 50 रुपये में। बटर नान के साथ कम्प्लीमेंट्री दाल दे रहे हैं दाल मखनी, और उसके बाद हमारे पास तंदूरी कुलचा आ गया उसके साथ हम दे रहे हैं मटर मखनी 40 रुपये। वो कस्टमर भी अपनी चॉइस है कि वो क्या चीज़ लेना चाहता है, या आप नान के साथ क्या दाल मखनी। नहीं वो कस्टमर की अपनी चॉइस है, पनीर नान के साथ अगर वो पनीर कुलचा लेना चाहेंगे तो हम सकते हैं। आप हमें कौन सा नान सर हम आपको खिलाएंगे पनीर नान पनीर कुलचा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 रुपये में आपको पनीर कुलची प्लस पनीर नान मिल रहा है, जो कि कहीं नहीं मिलता। चने तो आम जगह हर जगह चने ही मिलेंगे आपको, बट यहाँ पर आपको पनीर नान के साथ पनीर कुलची भी मिल रही है। तो चलिए अब देखते हैं भैया क्या क्या डालते हैं। तो और अगर हम बात करें इनकी खासियत की तो ये मैदा नहीं यूज़ करते हैं, ये वाइट चक्की का आटा यूज़ करते हैं। और ये हमारा पनीर आ चुका है, इसमें ऑनियन वगैरह और इनके मसाले होते हैं। अगर कोई ऑनियन के बिना चाहता है तो ऑनियन के बिना भी ये दे देते हैं। तो अब हमारा पेड़ा तैयार होगा, उसके बाद हमारा नान लगेगा। तो हम बनाते हैं तो हमें बनाने में 2-3 मिनट लगते हैं, और उसके बाद जब बना के तंदूर में लगा अगर हमारी ज़्यादा होगी तो जाता है, अगर हमारी हीट डाउन होगी तो इसमें 2-3-4 मिनट लग सकते हैं। 3-4 मिनट लग जाते हैं तो काफ़ी मतलब फास्ट सर्विस भी है। अपना नान लगने लगा है अब, ये तंदूर में जाएगा? हाँ सर ये अभी तंदूर में लगाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं तंदूर की तरफ। मैं तंदूर में लगाने लगा हूँ, देख सकते हैं आप ये हमारा तंदूर ये आ जाएगा तंदूर। ये हमारा लग चुका है नान पनीर नान। तो अब मैं थोड़ा आपको दुकान की तरफ, जब तक नान बनता है तो तब तक मैं आपको दुकान के अंदर का भी थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ धोने के लिए इन्होंने वॉश बेसिन का भी यूज़ किया गया है, और आप साफ सफाई की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया साफ सफाई है। और ये इनका मेन्यू आ जाएगा, आप देख सकते हैं देसी वाइब्स। तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी ही मतलब बढ़िया तरीके से यहाँ पर साफ सफाई रखी है कोविड की वजह से। तो ये देखिए AC भी यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब फुल फैसिलिटी आपको मिल रही है 50 रुपये में। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा नान कहाँ पहुँचा। अभी सर हमारे तंदूर की जो हीट है वो थोड़ी डाउन है, अब इसमें 2-3-4 मिनट लग सकते हैं। तो अभी 2-3 से 4 मिनट यहाँ पर लग सकते हैं क्योंकि तंदूर की हीट थोड़ी सी कम है यहाँ पर। तो हम थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं नान कैसे लग रहा है अपना। तब तक मैं थोड़ा आपको बाहर से भी इनका फ्रंट व्यू भी दिखा देता हूँ। तो अभी हम थोड़ा भैया से जानेंगे भैया की दुकान का एड्रेस और भैया का कॉन्टैक्ट नंबर। भैया आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9086-64924। तो भैया ये आपकी शॉप कहाँ पर पड़ती है? हमारे घर बड़ी तो अगर किसी को आना हो तो भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमारा नान मुझे लग रहा है शायद बन चुका है भैया, रेडी हो गया हमारा। तो रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हैं तंदूर से अभी निकलेगा बाहर, ये देख सकते हैं आप हमारा पनीर नान। ये आ चुका है हमारा पनीर नान। जी सर। तो अभी हम चलते हैं आगे। और ये हमारा लग चुका है नान, और भैया बताएंगे अभी इसमें क्या लगा। सर इसके ऊपर अब हम लगा रहे हैं देसी घी। देसी घी, देसी घी लगा रहे हैं। तो ये हम जो अपनी घर से लाते हैं देसी घी, हम ये जो नान के ऊपर लगा रहे हैं। अगर गेस्ट की चॉइस हो तो हम बटर भी लगा सकते हैं अगर गेस्ट बोलें। तो अगर गेस्ट की चॉइस होगी तो ये नान हमारा कट रहा है, ये काफ़ी मतलब बढ़िया तरीके से करते हैं सर इसको। तो
और ये हमारा आ गया नान। नान नान इसके साथ अंदर ये इमली प्लस आनियन, ये जो कचुंबर है हमारा, ये इमली और आनियन का कचुंबर है। तो ये आप देख सकते हैं कचुंबर काम कर रहे हैं सर। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं ये की पनीर भुर्जी भी, और खाते हैं और आपको टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा इसमें डला क्या क्या है, ये देख सकते हैं आप। जब तक पनीर भुर्जी लगती है तब तक हम ये दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ही मटेरियल है इसमें, काफ़ी ही भर भर के डाला गया है। 50 रुपये में आपको भी पता है कहीं पे पनीर पर नहीं मिले, खासकर जम्मू में। और चने जैसे बना होता है, चने यहाँ पर खासियत है, यहाँ पे आपको 50 रुपये में अगर पनीर भुर्जी तक जा रहे हैं। तो अभी हम पनीर भुर्जी का वेट करें, चले पनीर भुर्जी आते तो हम वेट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो इसके साथ ये ना हमें सर्व की है ग्रीन चिली। तो ये हमारा नान, अभी हम पनीर भुर्जी का वेट कर रहे हैं। तो ये हमारी आ चुकी है पनीर भुर्जी। तो आप इसको देख सकते हैं कि काफ़ी ही मतलब बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है, और काफ़ी मतलब फ्रेगनेंस आ रही है। तो अभी हम इसको खाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। तो अभी हम पनीर भुर्जी के साथ ट्राई करते हैं इसको। तो जैसे कि बात करें तो 50 रुपये में आप देख सकते हैं पनीर नान प्लस पनीर भुर्जी, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका पनीर जो है काफी मतलब लाजवाब, और इतना मतलब क्या बताऊं, इतना जूसी है ना, आप जरूर एक बार आएं ट्राई करें। और इसके सैलड की बात की जाए तो काफ़ी ही बढ़िया सैलड है, मतलब कि मज़ा ही आ जाएगा, एक बार ज़रूर आई। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे लेते हैं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।